एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आंसर के साथ बिल्कुल बारीकी से एनसीईआरटी का, जो कि आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि ज़रूर आएगा। अगर आप भी 90% से पार केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं और अपने क्लास ट्वेल्थ में, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा गाइस। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को हम लाए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे पार्ट सेकंड का ये केमिस्ट्री है, इससे पहले भी हमने ये जो है क्वेश्चन आंसर, ये आपका पार्ट सेकंड केमिस्ट्री लेसन टू का है, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल तथा ईथर चैप्टर से, ठीक है, ईथर वाले चैप्टर से। इससे पहले भी हमने पार्ट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट एक के भी बना चुके हैं। अगर नहीं देखे चैनल आप तो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और हमने पार्ट फर्स्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उसको आंसर आपको किस तरह लिखने कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि मैम क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराइए, तो हमने सोचा ठीक है आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग बता दीजिए अगर ये कमेंट में, हम उससे रिलेटेड आपके वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कारण बताइए कि मिथॉक्सी मेथेन की तुलना में जो एथेनॉल का क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, कि इसका कारण आपको बताना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएंगे और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल की तुलना में जो यहाँ पे डाई एथिल ईथर है इसका क्वथनांक उच्च होता है क्यों, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा और ये भी, अगर दोनों आ जाएगा ना सिर्फ आपको एक ही आंसर लिखना है जो हम बताएँगे। तो यहाँ पर आपको देखिए आंसर को देखकर बिल्कुल भड़कना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एथिल एल्कोहल के अणुओं के मध्य जो होता है वो प्रबल हाइड्रोजन अवबंध पाए जाते हैं, ठीक है, जो एथिल एल्कोहल है C2H5OH, इसके अंदर जो इनके अणुओं के मध्य होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो होते हैं वो हाइड्रोजन अवबंध यानी कि H पाए जाते हैं, एच प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन अवबंध जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, प्रबल यानी बहुत ही कठोरता के से इसमें क्या होते हैं उपस्थित होने के कारण ये क्या करते हैं परस्पर सहयोग करके एक विशाल अणु बना लेते हैं। यहाँ पे C2 जैसे यहाँ पे C ये क्या करते हैं परस्पर सहयोग करके एक विशाल अणु बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से विशाल अणु क्या कर लेते हैं बना लेते हैं, जिससे इसको क्या करते हैं कि अतः इनके अणुओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए इसमें क्या होता है अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा लगाई जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे कि अगर आप पार्टी में अपने फ्रेंड्स को ले जा रहे हैं तो जितने फ्रेंड्स अधिक रहेंगे उतने ही तो आपकी खर्च बढ़ेगी, उतने ही पैसे लगेंगे। तो वही बात है कि जो हाइड्रोजन है इसमें हाइड्रोजन अवबंध जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, इसको ये और इसके विशाल अणु बन जाते हैं जिससे कि इसके अणुओं को क्या करते हैं एक दूसरे से पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए इसमें अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके कारण इसकी क्वथनांक क्या हो जाती है अपने आप बढ़ जाती है, इसकी क्वथनांक एथिल एल्कोहल के बढ़ जाती है। जबकि जो डाई एथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन, जो मेथॉक्सी मेथेन है ना वो डाई एथिल ईथर का ही क्या होता है IUPAC नेम, ठीक है, तो ये मेथॉक्सी मेथेन या डाई इथिल एथिल ईथर के मध्य जो होता है वो हाइड्रोजन अवबंध नहीं होते, यानी कि एथिल एल्कोहल के कंपेयर में कम होते हैं, ठीक है, और इसके अणुओं में विशाल नहीं होते हैं जिससे कि इसमें के क्वथनांक में क्या होती है जिससे इनको पृथक करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, इससे इसका क्वथनांक नहीं बढ़ता है। तो वही कारण है कि जो एथिल एल्कोहल है उसका क्वथनांक जो होता है वो मेथॉक्सी मेथेन से क्या होता है उच्च होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तथा क्यों,
ठीक है। तो जो सौंदर्य प्रसाधन होता है उसमें C2H5OH एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, जो एथिल एल्कोहल होता है वो विषैला नहीं होता, जैसा कि इसका पीने में शराब के रूप में भी यूज किया जाता है, तो विषैला रहता तो शराबी बसते नहीं ना बसते, तो इसलिए विषैला नहीं होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होता है, और ये क्या करता है कि ये विलायक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें इस क्या होता है, ये विलायक होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है सौंदर्य प्रसाधनों में, ठीक है। जैसा कि सौंदर्य प्रसाधनों में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छा विलायक है, तथा ये उदासीन प्रकृति के होने के साथ साथ ये विषैला भी नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग नोट्स नोट करना चाहते तो इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि फिनाल को कार्बोनिक अम्ल क्यों कहते हैं, यानी फिनाल है जो है वो अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, क्योंकि फिनाल एक क्या होता है, OH समूह पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए ये इसकी जो फार्मूला होती है इस तरह के होते हैं, तो इसमें OH समूह पाए जाते हैं, तो फिनाल क्या होता है, एक प्रकार से इसको क्षारीय होना चाहिए, बट फिनाल क्या होता है, अम्लीय होता है। ये बहुत ही डायमंड क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो यही यहाँ पे पूछा है कि जो फिनाल है वो कार्बोनिक अम्ल यानी कि अम्लीय क्यों होता है, इसके अम्लीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए, ये किस तरह अम्लीय होता है, इसके स्वभाव को करैक्टर का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो किस तरह होता है यहाँ पे देख लेते हैं हम। फिनाल को उसके अम्लीय लक्षण के कारण कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, यानी अम्लीय कहते हैं। तो किस तरह, किस लक्षण के कारण कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया फिनाल की फार्मूला, ठीक है। वेंजिल पे OH, किस तरह वेंजिल का बनता है रिंग, आपको अगर वीडियो देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस H2O, ठीक है, हमने जल को ले लिया। और यहाँ पे जो ये एरो होता है, ये एरो जो होता है, आप एक ही एरो देखेंगे, ठीक है, लेकिन जो ये एरो है ये अर्ध एरो है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का पहचान दिलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इससे रिएक्शन करके दोनों से बना रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उससे भी हम अगेन इसको बना सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह O पे माइनस प्लस H2O पे प्लस, ठीक है। तो ये बना लेता है यहाँ पे फिनॉक्साइड। तो यही देखिए यहाँ पे कहा गया है, ये फिनॉक्साइड कहाँ है, इसके ध्रुव पर स्थित है। तो यहाँ पे किस तरह ये होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ध्रुवी OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण इसे फिनाल क्या कहता है, शीघ्रता से एक प्रोटॉन मुक्त कर देता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि OH समूह है, इसमें क्या है, OH समूह उपस्थित है, इसके ध्रुवी यानी ध्रुव पे, इसके ध्रुव पे क्या है, OH समूह उपस्थित है, जिसके कारण ये क्या कर देता है, ये फिनॉक्साइड बनाने के लिए फिनॉक्साइड बनाता है, आयन के अनुनाद स्थायीकरण के कारण जो फिनाल होता है OH, ठीक है, वेंजिल पे OH, ये क्या करता है, आसानी से अपने एक प्रोटॉन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, ठीक है। यहाँ पे शीघ्रता से एक प्रोटॉन को मुक्त कर देता है, यहाँ पे जैसे इसके O, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन OH है, तो यहाँ देखिए एक प्रोटॉन को यानी मुक्त कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक प्रोटॉन को ये मुक्त कर देता है, अर्थात अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जिससे कि ये क्या कर देता है, अम्लीय गुण को क्या कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। ये अम्लीय का कारण होता है कि वो एक प्रोटॉन को आसानी से मुक्त करती है, तो इसी कारण ये जो फिनाल है इसे क्या करते हैं, अम्लीय भी कहते हैं, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिनाल को कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, यही कारण है। आप लोग इसको जहाँ पर ये लिखेंगे आप इस छोटे से रिएक्शन को भी कर देंगे वहाँ पर, ये जो है वो फिनॉक्साइड है, ये क्या है, फिनॉक्साइड है। फिनॉक्साइड आयन। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड के वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, और इसी तरह और भी इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड से और इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कहिएगा, आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाएंगे, ठीक है। और कई ट्रिक और ट्रिप्स हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, फिजिक्स में कैसे तैयारी करें, कौन से टॉपिक पढ़े, सभी के वीडियो अपलोड है। और आप लोग आज के वीडियो हमारे देखे कि नहीं ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।
कि इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।